नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर सारसर, डायरेक्टर ऑफ एडवांस कोचिंग एकेडमी। आज की वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके बच्चे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं। वे सभी पेरेंट्स ध्यान से सुने, जिनके बच्चे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बच्चों के जो अभी फिलहाल का जो प्रोग्राम चल रहा है, यानी को जो स्कूल की पढ़ाई चल रही है, उसका बेनिफिट बताता हूँ और फिर डिफरेंस करके बताऊंगा कि स्कूल की पढ़ाई व कोचिंग या कंपटीशन की पढ़ाई कैसे अलग है। आप आज अपने बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से वो स्कूलिंग अच्छी कर रहे हैं, न कि कंपटीशन अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलिंग और कंपटीशन में दिन रात का अलग अंतर होता है। एक बच्चा लगातार स्कूल में जा रहा है, फर्स्ट से लेकर प्लस टू तक स्कूल में जाता है, और वो कोई कंपटीशन टेस्ट फाइट करता है तो फर्स्ट चांस में या एक साल में, दो साल में क्लियर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके जो कंपटीशन का स्किल है वो बहुत ही डाउन है। और एक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन भी थर्ड क्लास से सीखता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पेरेंट्स ध्यान से सुनना मेरी बात, कि यदि आपका बच्चा है वो थर्ड क्लास से कंपटीशन साथ साथ पढ़ रहा है, तो 10वीं या प्लस टू के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कंपटीशन क्लियर करेगा और टाइम और पैसे की बर्बादी न करके जैसे ही अपनी स्कूलिंग खत्म करता है वो किसी अच्छी जॉब पर चढ़ जाएगा। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ने के बाद या स्कूलिंग के बाद एक अच्छी जॉब या अच्छे डिपार्टमेंट में देश की सेवा करे और अपने परिवार का लालन पालन करे। तो सभी पेरेंट्स हैं, मेरी ये बात ध्यान सुनना, यदि आप भी उस समस्या से बचना चाहते हैं कि यदि पढ़ाई के बाद या स्कूलिंग के बाद आपका बच्चा गलियों में या बेरोजगार न रहे, तो उसके लिए आज की वीडियो खास होने वाली है। वो सभी ध्यान से सुनना कि हम जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें थर्ड क्लास से, ध्यान से सुनना, थर्ड क्लास से कंपटीशन का जो सिलेबस है उन बच्चों को दिया जा रहा है। यानी पहले स्कूलिंग करवा के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम उनको कंपटीशन सिखाया जाएगा, थर्ड क्लास में कंपटीशन करवाया जाएगा, फिर फोर्थ क्लास में भी करवाया जाएगा, इस प्रकार से फिफ्थ क्लास में करवाया जाएगा। एक बार फिफ्थ तक का प्रोग्राम सुने ध्यान से, अगर बच्चा लगातार 3 साल तक कंपटीशन पढ़ता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वो आगे खुल जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे और बड़े स्कूल हैं, उनमें उसका एडमिशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राइस स्पोर्ट्स स्कूल्स, और भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं जो एग्जाम बेस पर, जिसका इंट्रेंस एग्जाम होता है उस बेस पे इसमें प्रवेश होता है। आप भी अपने बच्चों को वहाँ भेज कर अपने बच्चों का जो भविष्य है वो एक बहुत अच्छा सेटअप कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल में जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होता है वो 90% श्योर हो जाता है कि वहाँ से बच्चा NDA, नेवी या और बहुत सारे, NDA के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, नेवी, एयरफोर्स, सारे जो लेफ्टिनेंट की एंट्री होती है वो डायरेक्ट NDA से होती है। यानी सैनिक स्कूल के 90% विद्यार्थी हैं जो स्टार्टिंग से फोकस करते हैं वो NDA में सिलेक्ट हो जाते हैं। जिस भी माँ बाप का अपने बच्चे को लेफ्टिनेंट या एयरफोर्स, नेवी में सेट करने का टारगेट है वो फोकस करो सैनिक स्कूल। बाहर स्कूलिंग में भी बच्चे जाते हैं मोस्टली, लेकिन वहाँ पर श्योरिटी नहीं होती सैनिक स्कूल, क्योंकि देखो सैनिक स्कूल के अंदर क्यों श्योरिटी है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाया वही जाता है जो डिफेंस या NDA की डिमांड है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यदि मार्केट में वही चीज ज्यादा बिकती है जिसकी डिमांड होती है, उसी प्रकार वही बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं जो डिमांड के हिसाब से, यानी जो फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड है या फ्यूचर में उन्हें कहाँ जाना है उसकी जो तैयारी है बच्चा स्टार्टिंग से करेगा, यानी उसकी सप्लाई उसको स्टार्टिंग से हो रही है तो फ्यूचर की डिमांड को क्रैक कर जाएगा जल्दी। तो हम इसी बेस पे काम कर रहे हैं, बच्चे को स्टार्टिंग से कंपटीशन सिखा रहे हैं, यानी थर्ड क्लास से हमारा जो कंपटीशन वो स्टार्ट हो जाता है। थर्ड क्लास से बच्चे को कंपटीशन के साथ लेके चलते हैं, शाम को डेली उनका रिवीजन होता है, टेस्ट होता है, और बाहर के जो बच्चे हैं या जो हमारे क्षेत्र से दूर के बच्चे जो हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, हमारे पास रहने खाने पीने का विशेष प्रबंध है, हॉस्टल है, बच्चों को उचित खाना, समय पर पढ़ना लिखना सब कुछ मैनेजमेंट है यहाँ पर। आप एक बार आए, विजिट करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, जो बच्चे
जिनका बेस कमजोर होगा उनका हम एक बार अपने लेवल पे रिटर्न लेके देखेंगे। अगर वो हमारे यानी उस पैकेज के हिसाब से उस पैटर्न को करने के लायक होंगे तभी उनका एडमिशन लिया जाएगा। और जो बच्चा मीडियम है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम बना सकते, लेकिन बिल्कुल ही अगर 30% ही बच्चा है उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंपटीशन का स्किल थोड़ा हाई होता है। और दूसरे लेवल पर मैं कहता हूँ, क्योंकि जो बच्चा या जो पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ेगा वहाँ पर फीस भी कुछ अलग लगेगी, क्योंकि वो जो खर्चा होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और आप एक एवरेज बच्चे पर अगर ज़्यादा खर्चा करते हो तो फ्यूचर में उसकी आउटपुट नहीं मिलती। मैं एज ए टीचर और एक पेरेंट्स होते हुए मैं खुद ये सजेशन करता हूँ कि हर किसी को या कोई भी पेरेंट्स है मतलब इन्वेस्ट या खर्चा वहाँ करना चाहिए जहाँ से हमें आउटपुट मिलती हो। हम उसी बच्चे पर अपना फोकस ज़्यादा करें जहाँ से वो बच्चा जल्दी कामयाब हो जाए। तो हाँ, मैं नहीं कहता कि उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाए, एवरेज बच्चों को उनके हिसाब से शिक्षा दी जाए। अगर उनको टॉप लेवल में छोड़ जाएंगे तो कहीं यूपी छोड़ जाएंगे। इसलिए सभी माता पिता इस बात को ध्यान से सुनना, यदि आप अपने बच्चों को एक अच्छे माहौल में सेट करना चाहते हैं, एक कंपटीशन साथ साथ स्कूलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आएं और हमसे मिलें। मैं पूरा एड्रेस इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दूंगा और फ़ोन नंबर सब कुछ स्क्रीन पे फ़ोन नंबर मिल जाएगा आपको, और आप आकर यहाँ विजिट करें। अगर आपको यहाँ का जो एटमोसफियर है वो अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाएं। हाँ, ध्यान से सुना एक बात और, हमने ऑनलाइन टीचिंग का जो प्रोग्राम हमारा वो सेटअप कर लिया है। जो भी माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, देहरादून स्कूल और बहुत सारे कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे गुरुकुल है, मैं ये सारे स्कूल आराम आराम से बताऊंगा, एक डिटेल के साथ बताऊंगा, इन सभी स्कूलों में अपने बच्चों को सेटअप करना चाहता है तो वे आए हमारे पास, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारे जो टीचिंग प्लान है उसका उसको हिस्सा बनाएं। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्कूल बता रहा हूँ जैसे आपका बच्चा यहाँ से कोचिंग लेकर उन स्कूलों में एडजस्ट हो सकता है। भारत के टॉप टॉप स्कूल बताऊंगा। सबसे पहले जो सबसे टॉप स्कूल है, जैसे हरियाणा की बात करता हूँ, तो अपने हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा और रेवाड़ी दोनों ही फेमस हैं। आप कुंजपुरा के अंदर या जो सैनिक स्कूल रेवाड़ी है यहाँ किसी में ही बच्चे को डाल दो, दोनों में दोनों स्कूल अच्छे हैं। और हरियाणा में एक और विद्यालय बात करता हूँ मैं, जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला, वो भी बेस्ट है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। वहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है, आप अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ें। मैं नवोदय विद्यालय देवराली की बात करता हूँ क्योंकि वहाँ पर एक तो फीस बहुत ही कम है, यानी फ्री मान के चलो, पढ़ने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। हाँ, बात करता हूँ सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल की फीस है थोड़ी हाई है, हाँ, लेकिन फीस जितनी हाई है उतना ही वहाँ से आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं कुछ स्कूलों के नाम बता रहा हूँ जिनमें आपका बच्चा हमारे पास कोचिंग लेके अच्छा रिजल्ट के साथ वहाँ पर एडमिशन प्राप्त कर सकता है। सबसे जो टॉप स्कूल है इंडिया के, बात करता हूँ पूरे भारत के जो टॉप स्कूल हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल व्यास और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, दोनों ही टॉप स्कूल हैं भारत के। इनके अंदर इंट्रेंस टेस्ट होता है और इस टेस्ट का लेवल भी बहुत ही टॉप का होता है। जो बच्चा 2-3 साल इसकी मेहनत करते हैं, थर्ड क्लास से कंपटीशन की तैयारी करता है, वही बच्चा इस टेस्ट को क्लियर कर पाता है। हाँ, इतनी गारंटीड है, अगर आपका बच्चे का जो सिलेक्शन है आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास और दक्षाई में हो जाता है तो वहाँ से 100% NDA में लेफ्टिनेंट बनकर ही आपका बच्चा घर वापस आएगा। सेकेंड मैं बात करता हूँ भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक, जो 1937 में, बहुत पुराना स्कूल है दोस्तों ये, जो नासिक के अंदर है और जो बॉयज ही इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो मार्च में भरे जाएंगे और अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी, जो गुरुकुल है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है, वो भी बहुत अच्छा स्कूल है, उसका भी एक इंट्रेंस एग्जाम होता है जो 1912 में सेटअप हुआ था केवल बॉयज के लिए। ये भी जनवरी में इसके फॉर्म निकलते हैं और मार्च में इसका एग्जाम, अभी जो मार्च होना था वो पोस्टपोन हो चुका है इसका, गुरुकुल जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल है ये आगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी के अंदर है दोस्तों ये सेंट्रल हिंदू स्कूल, और यूपी के अंदर है बनारस, वाराणसी, वाराणसी के अंदर है ये, और मार्च के अंदर इसी के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं और मई के अंत तक जाके इसका एग्जाम जाता है।
और इसकी बात करूँ इसके अंदर जो एडमिशन होता है, पाँचवीं क्लास का जो बच्चा पढ़ता है वो सिक्स में एडमिशन ले सकता है, आठवीं वाला पढ़ने वाला नाइन्थ में ले सकता है, इसी साल ऊपर वाले स्कूलों में भी इसी प्रकार से फिफ्थ में जो बच्चा पढ़ता है वही एग्जाम दे सकता है, वो सिक्स में जाएगा, एट्थ वाला जो पढ़ रहा है बच्चा वो नाइन्थ में वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, सभी पेरेंट्स को सूचित करता हूँ एक बार आप हमारी संस्थान में आएँ, आकर देखें और अपने बच्चों को कंपटीशन साथ स्कूलिंग करवाएं, ताकि उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो और अब उनके जो आगे जाकर वो किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। एक खास बात और बताता हूँ, आप सपोज करो आपका बच्चा हमारे पास यहाँ पढ़ता है, और एक मैं पहले अपोजिटिव सोच चलो कि आपका बच्चा कोचिंग लेगा तो किसी अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन जरूर होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम भी है, हम स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, और सपोज करो आपका बच्चा दसवीं तक कंपटीशन के साथ साथ स्कूलिंग करता है, और जो फर्स्ट उस 10वीं के बाद या +2 के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेवी एयरफोर्स में गारंटी के साथ अपना सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि 8-9 साल का कंपटीशन बहुत होता है, बच्चे 2-3 साल में कंपटीशन बच के पढ़कर अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं, तो ये तो 5 से लेकर 8-7 साल तक कंपटीशन पड़ेगा, तो इसी प्रकार बच्चा अपना बेस पहले ही बना लेता है, जैसे ही वो +2 या 10वीं के बाद फॉर्म भरने के लायक होता है तो बगैर टाइम और धन के बर्बादी के वह अपना अच्छा करियर स्थापित कर लेता है। तो एक बार मैं पता बोल भी जाता हूँ, हमारा जो संस्थान है एडवांस कोचिंग एकेडमी है वो मनसरवास डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा में है, ये करूँ से 3 किलोमीटर अप्रोच पड़ता है। हाँ, बाहर से आने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल की उचित व्यवस्था है, आप आएँ यहाँ देखें और अपने बच्चे के जो स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन की जो सिलेबस है वो यहाँ हमारे पास रहकर करवाएं। सभी माता पिता एक बार आए, जरूर आए, क्योंकि मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ कि आज के दौर में, आज का दौर है कंपटीशन का, अगर जिस बच्चे के पास कंपटीशन है आगे चलकर वही कामयाब होगा, और जो बच्चा कंपटीशन में जीरो है वो पढ़ा लिखा मूर्ख होगा, अगर ध्यान रखना सभी पेरेंट्स मेरी बात को ध्यान सुनना, क्योंकि बगैर कंपटीशन के आपका बच्चा नील होगा, आपका बच्चा नील होगा, क्योंकि आज इतना कंपटीशन है, बच्चे दिन रात कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, फिर जाके किसी उनका SSC CGL CPO बैंक में सिलेक्शन होता है, कहाँ आपका बच्चा वेरी करेगा। तो आज आप जो अपने बच्चे को एक अच्छे रास्ते पर लेके आएंगे, इसका जो फायदा आपको आगे मिलेगा, और मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो संपत्ति बनाते हैं, पूंजी बनाते हैं, मकान खरीदते हैं, प्लाट खरीद के छोड़ते हैं, मैं तो आपको एक राय देता हूँ, अगर आपको पूंजी बनानी है तो अपनी औलाद को बनाओ, वो पैसा इन्वेस्ट करो तो अपनी औलाद पे करो, क्योंकि आपकी रियल में पूंजी आपकी औलाद होती है, अगर आपने अपने बच्चे को लायक बना दिया तो आपकी पूंजी काउंटलेस हो गई, अगर आपने कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाया लेकिन आप अपनी औलाद को नहीं बना सके तो आपकी सारी पूंजी वेस्ट है, उसका कोई यूज करने वाला नहीं होगा, वो बर्बाद हो जाएगी एक दिन। दोस्तों अंत में ये कहूँगा कि जो अपने बच्चे हैं औलाद होती है वो एक ऐसा वृक्ष है, उसको आप सींचते रहो, उसके अंदर पानी डालते रहो, उसकी टाइम पे देखभाल करते रहो, उसको अच्छे माहौल में छोड़ दो, वो पेड़ अगर हरा भरा रहेगा तो आपका जो बुढ़ापा वो उसी की छाँव में कटना है, अगर वो सूख गया तो आपको भी धूप में बहुत परेशानी होगी उसके नीचे बैठकर, यानी इसका भाव यही है कि अगर आपका बच्चा नालायक या बेरोजगार रहा तो आप आगे चलकर उसको देखकर बहुत ही कष्ट महसूस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।